हाय गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आज मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A34 5G। और गाइस, इस स्मार्टफोन को पिछले मैं 40-50 दिन से यूज कर रहा हूँ। अराउंड 1.5 महीना मेरे को इसको यूज करते हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A34 के बारे में, कि मुझे ये यूज करने में कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, और क्या आपको 30,000 रुपए देकर ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो इसकी प्राइस रेंज चल रही है वो है 30,000 रुपीज। तो उस प्राइस रेंज में क्या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। और गाइस, सैमसंग की ए सीरीज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सेल होने वाली सीरीज है। तो भाई बात करेंगे कैसा ये मेरे को लगा, कैसा नहीं लगा। अगर गाइस आपको ये स्मार्टफोन आप खरीदने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आपको 101% कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और मेरे को इसके अंदर 2-3 प्रॉब्लम्स आई, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो गाइस, मैं इसको इतने दिन से यूज कर रहा हूँ, एंड गाइस इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो आगे की तरफ आपको डिस्प्ले के अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। उसी के साथ में यहाँ पे आपको अगर एजेस वगैरह की बात करी जाए तो गाइस ये आपको ग्लास देखने को नहीं मिलता, हार्ड पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। आपको एनिमिलियम फिनिश वाले यहाँ पे आपको एजेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस, उसी के साथ में ये फोन आता है IP67 रेटिंग के साथ में। तो अगर आप अगर थोड़े बहुत पानी वानी में गिर जाता है तो भी आपको फोन को कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, मैंने इसको पानी में गिरा के टेस्ट नहीं किया है भाई, कभी डाल वाल मत देना, पानी में खराब हो जाएगा, कोई पता नहीं है। एंड गाइस, उसी के साथ में बिल्ड क्वालिटी में अगर आपको गाइस थोड़ा सा बैक पैनल की बात करूँ तो मेरे को ये ऐसा थोड़ा लगा फील में कि थोड़ा सा, मतलब आप जैसे यार इसको पहली बार हाथ में लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा पीछे से प्रेस होता है। हाँ, मुझे मतलब कि शायद इतना मोटा ये नहीं बनाना चाहिए था, ये थोड़ा छोटा बन सकता था, मतलब पतला बन सकता था। थोड़ा ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ खाली सी जगह है। तो ऐसे बिल्ड क्वालिटी में आपको काफी ठीक ठाक देखने मिल जाता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। एंड गाइस, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो गाइस, इसके अंदर आपको 6.6 इंचेस का फुल HD+ सैमसंग का सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने मिल जाता है। एंड गाइस, सैमसंग के सुपर एमुलेट डिस्प्ले के ऊपर कुछ भी नहीं है लिटरली, मतलब कि सैमसंग के सुपर एमुलेट डिस्प्ले के अंदर गाइस जो कॉन्टेंट कंज्यूम करने का मजा है ना, वो किसी और में नहीं आता है। उसी के साथ में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने मिल जाती है। एंड लिटरली गाइस, इसके अंदर मैंने अभी सिटीडेल एपिसोड 5 आया था वो देखा है, एक मूवी देखी है क्वांटम की, अभी मार्वल की एक आई थी एंटमैन वाली, वो देखी है। एंड गाइस, लिटरली सीरियसली डिस्प्ले का काफी ज्यादा बढ़िया मेरे को लगा। बट गाइस, इसके अंदर उसी के साथ में मेरे को डिस्प्ले की 2-3 छोटी मोटी कमियां लगी, वो है गाइस इसके जो एजेस हैं काफी ज्यादा, लिटरली गाइस मतलब काफी एजेस आपको थोड़े बड़े बड़े देखने को मिल जाते हैं, थोड़े पतले हो सकते थे। उसी के साथ में इसका जो कैमरा है यहाँ पे आपको पंच होल देखने के नहीं मिलता, मतलब यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच हो जाता तो कितना बढ़िया था। बट गाइस, यहाँ पे आपको एक ये जो कैमरा है वो आपको ऐसा देखने के लिए मिल जाता है, इसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा 10,000 वाली फीलिंग मिल जाती है इतने महंगे स्मार्टफोन में भी। अगर इसके अंदर आपको वाटर ड्रॉप नॉच होता तो लिटरली मतलब पंच होल होना चाहिए था, बट वाटर ड्रॉप नॉच देखने के मिल जाता है, बड़ी प्रॉब्लम लगी। उसी के साथ में इसके जो बेजल्स हैं वो काफी आपको बड़े बड़े देखने मिल जाते हैं। एंड गाइस, यही इसकी मेरे को डिस्प्ले में कमी लगी। उसके अलावा गाइस, डिस्प्ले के अंदर ये आपको पूरा स्मार्टफोन काफी बढ़िया है, लिटरली डिस्प्ले के अंदर कोई भी कमी नहीं है, बस एक छोटी सी एक और कमी है HDR की। इसके अंदर आपको HDR देखने के लिए नहीं मिलता, तो आप ना तो यूट्यूब के अंदर HDR वीडियोस HDR प्ले कर पाओगे, ना नेटफ्लिक्स वगैरह के अंदर HDR वगैरह देख पाओगे, ऐसा इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भाई इसकी शक्तियों की, भाई इसको शक्तियां कौन सा प्रोसेसर प्रदान करता है। तो गाइस, इसके अंदर आपको देखने मिल जाता है Dimensity 1080 प्रोसेसर। और गाइस, अगर सैमसंग की ए सीरीज के बारे में बात करूँ तो ये ऐसी परफॉर्मेंस वाइज वाली सीरीज नहीं होती है, इसके अंदर आप मतलब हैवी गेमिंग वगैरह नहीं खेल सकते हो। हाँ, इस प्राइस रेंज के अंदर ये बेस्ट परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन तो नहीं कह सकते, बट गाइस आपको अगर एवरेज गेमिंग वगैरह की बात करो तो आप अगर जैसे मतलब ज्यादा गेम वगैरह नहीं खेलते हो, आप मतलब एक नॉर्मल गेम वगैरह खेल लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अच्छे से गेम वगैरह, मैंने खुद इसके अंदर प्ले करके देखा है, तो आप नॉर्मल अच्छे से गेमिंग वगैरह कर सकते हो। उसी के साथ में मतलब जो हैवी परफॉर्मेंस वाले टास्क है वो इसके अंदर नहीं कर पाओगे। अगर आपको एक डेडिकेटेडली गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो ये आपके लिए नहीं है। सैमसंग की जो ए सीरीज के स्मार्टफोन होते हैं वो डेडिकेटेडली गेमर्स के लिए नहीं होते, वो जो नॉर्मल यूज लेते हैं उनको स्टडी साइज स्मार्टफोन चाहिए, गुड लुकिंग स्मार्टफोन
स्मार्टफोन चाहिए, ओवरऑल एवरेज वाला स्मार्टफोन चाहिए, उनके लिए ये होता है। एंड गाइज सैमसंग की ए सीरीज की जो इसकी डिजाइन है, मेरे को ये भी लिटरली काफी ज्यादा बढ़िया लगी। जो फ्लैगशिप वाले स्मार्टफोन आते हैं वैसे इसकी आपको डिजाइन भी देखने जाती है। तो प्रोसेसर ऐसा इसके अंदर आपको मेरे को मतलब ये थोड़ी कमी लगी, अगर आपको इसके अंदर बढ़िया और भी प्रोसेसर देखने मिल जाता तो काफी ठीक था, बट ए सीरीज के अंदर आपको ऐसा ही आपको प्रोसेसर वगैरह, अगर आपको नॉर्मल यूज के लिए, अगर एवरेज यूज के लिए काफी बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। एंड गाइस ये इजीली आपको प्रोसेसर में इतना बढ़िया देखने के लिए मिलता है। एंड गाइस आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भाई इसके कैमरास के बारे में। गाइस ए सीरीज कैमरा के अंदर काफी बढ़िया होती है, एंड लिटरली गाइस इसके कैमराज में टेस्ट कर रहा हूँ, शॉकिंग गाइस इसके जो रिजल्ट है मुझे काफी मतलब मेरे को स्क्रीन पे जब मैं फोटोज कैमरा से लेता हूँ, जब डिस्प्ले पे इतना बढ़िया देखने को नहीं मिलता है, उसके बाद में जब फोटो ऑप्टिमाइज होकर आपको देखने मिलती है ना, लिटरली काफी बढ़िया आपको देखने मिल जाती है। एंड गाइस अगर इसके कैमरास की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का OIS, एंड यहाँ पे आपको नीचे वाला दूसरा कैमरा देखने मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और थर्ड कैमरा आपको देखने मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का माइक्रो। एंड गाइस कैमरा के अंदर सीरियसली काफी बढ़िया आपको परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करता है, एंड उसी के साथ में गाइस आगे की तरफ आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी भी देखने मिल जाता है। एंड गाइस जब मैं सेल्फी कैमरा की फोटोज ले रहा था उस टाइम गाइस मेरे को ये मतलब डिस्प्ले पे जैसे कैमरा ओपन करते ही इतनी बढ़िया मेरे को फोटो देखने के लिए नहीं मिलती, बट क्लिक करने के बाद में ऑप्टिमाइज करने के बाद में सीरियसली गाइस काफी मेरे को बढ़िया फोटोज मिल जाती है। एंड उसी के साथ में पोर्ट्रेट के अंदर भी आपको कोई भी कमी इसके अंदर कैमरा के अंदर देखने को नहीं मिलती। उसी के साथ में अगर गाइस बैक पैनल की फोटोज की बात करी जाए, अल्ट्रा वाइड की बात करी जाए, माइक्रो की बात करी जाए, कोई भी फोटोज के अंदर ना तो कलर की आपको कमी देखने को मिलती, ना ऑप्टिमाइजेशन की देखने को मिलती, ना ही आपको ऐसे फोटोज के अंदर ब्लरी वगैरह कुछ आपको जैसे कहाँ जहाँ ब्लर करना चाहिए वहाँ आपको एक सैचुरेटेड ब्लर देखने मिल जाता। कैमरास अगर यहाँ पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो गाइस उसके अंदर भी आपको वैसे ही आपको रिजल्ट देखने मिलते हैं, जैसे ही आप इसको कहीं भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए पास ले जाओगे तो वहाँ पे आपको जो बैकग्राउंड एरिया वो ब्लर कर देता है, एंड लिटरली कैमरा के अंदर काफी आपको ये बढ़िया देखने मिल जाता है। एंड गाइस इसी के साथ में ऑल ओवर बात करी जाए इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, गाइस इसके अंदर आपको इसके अंदर अभी एंड्रॉइड 13 देखने मिल जाता है, और उसी के साथ में 4 साल के अपडेट्स आपको देखने मिल जाते हैं। एंड गाइस यहाँ पर आपको अगर इसकी बात करी जाए और डिटेल में अगर डिजाइन के बारे में, तो गाइस एक स्टडी एंड एक काफी फ्लैगशिप लेवल वाली आपको डिजाइन देखने मिल जाती है, उसके साथ में आपको एक सुपर एमुलेट वाली डिस्प्ले देखने मिल जाती है। हाँ एक थोड़ा प्रोसेसर आपको थोड़ा कम देखने को मिल सकता है, अगर आप गेमर नहीं हो आपको एक कैमरा बढ़िया मिल जाएगा, एंड लिटरली आप इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली बाय कर सकते हो अगर आपको एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं चाहिए। ऑल ओवर गाइस अगर 45 दिन के मेरे सफर की बात करूँ तो गाइस इसके अंदर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम देखने के नहीं मिली। जैसे ही मेरे को इसके अंदर अगर 5G की बात करूँ, 5G मेरे पास iPhone 13 भी है, उसके अंदर मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड गाइस दोनों को साइड बाय साइड में 5G टेस्ट कर रहा था, दोनों में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलती है इसके अंदर। जब मेरे को यहाँ पे क्या है, हमारे अभी मैं थोड़े विलेज टाइप एरिया में रहता हूँ, तो जहाँ पर मेरे को 5G कभी कभी आउट हो जाता है मतलब नहीं मिलता है, वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली 4G लाइट पे स्विच हो जाता है, एंड उसी के साथ में 5G इसके अंदर काफी फ्रिक्वेंटली वर्क करता है, अच्छी खासी आपको स्पीड वगैरह देखने मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मेरे को इसके 2-3 कमियां लगी, जैसे कि आपको इसके अंदर डिस्प्ले में थोड़े बेजल्स ज्यादा बड़े हैं, उसके साथ में ये नॉच वाला थोड़ा सीन ऐसा लगा कि भाई 10,000 वाला स्मार्टफोन है, उसके अलावा एक प्रोसेस थोड़ा कम लगा, एंड उसके अलावा इसके अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती है, लिटरली फोन काफी ज्यादा बढ़िया है, आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो गाइस ऐसा मेरा इसका कुछ मेरा सफर था इसके साथ में, तो आज के इस वीडियो में था, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम मिलते हैं आपको किसी और नए वीडियो के साथ में। और आपको जैसा भी मतलब अगर आपको कोई भी स्मार्टफोन खरीदना है गाइस, तो गाइस मैं ये स्पॉन्सर वाइज स्मार्टफोन था बालाजी टेलीकॉम से, आप वहां जाकर कोई भी स्मार्टफोन खरीद सकते हैं अच्छे खासे डिस्काउंट में। अब ये 30,000 का मिल रहा है तो आप इस पे 1-2,000 एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो अगर आप इस वीडियो के थ्रू जाते हो तो उनकी जो शॉप की डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई है, मोबाइल नंबर एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इसकी प्राइस वगैरह जान सकते हो, एंड स्पेशल डिस्काउंट पा सकते हो अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।